आदि है, अंत है, शिव ही अनंत है, समय है, काल है, शिव ही महाकाल है। तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है? ये अपनी गाड़ी खड़ी है और नीचे ये देखो कुकिंग चल रही है। हमने हमारी थार को खड़ा कर दिया यहाँ इस जगह पे और आगे जाना पड़ेगा हमें विलेज में पैदल ट्रैक करते करते। इस जगह पे आते ही मेरे को सबसे पहले ये बोला कि पाउडर चाहिए पाउडर। हे गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के? होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज हूँ मैं मनाली में, कल मैंने मनाली स्टे कर लिया था जस्ट बिकॉज की काफी टायर्ड हो गए थे एंड मेरे को नींद की बड़ी नीड थी, तो मैंने ले लिया था मनाली में एक जगह ये होटल। और होटल लेने के बाद मैं रात बड़े अच्छे से सोया हूँ मैं। अभी देखिये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी आ गया, चाय विद ब्रेड टोस्ट। इसके बाद हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि कहाँ निकले आज, कहाँ निकले अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मनाली के आसपास की तो सब चीजें हमने एक्सप्लोर कर ही रखी है, तो कसोल तोश ये वाला इलाका सोच रहा हूँ। देखिए सारी तैयारियां हो गई है, कल मेरा स्टे था होटल हिमलैंड करके और ये थोड़ा बहुत सामान है, बाकी मैंने ज्यादा सामान निकाला नहीं गाड़ी से। और गाड़ी यहाँ बढ़िया से पार्क हो गई थी अंदर की साइड में, और ये एक छोटा सा बच्चा मिला हमें। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य। बहुत सवाल जवाब करता है ये लड़का। बाकी प्रॉपर्टी काफी ठीक है, ये अच्छी जगह थी और स्टाफ भी बहुत बढ़िया है यहाँ का। जो टफ रास्ते थे वो तो सारे कवर करके आ चुके हैं, जैसे स्पीति हो गया हमारा, झंकार हो गया, ये मिला है बच्चा अपने को मनाली में। बड़े सवाल है इसके मन में। तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है? थार ही पसंद है। ये वाली रखनी है? ये नहीं रखनी, मैं ले जाऊं? ओके थैंक यू, चलो बाय। सो एवरीबॉडी अभी हम निकल रहे हैं मनाली से, जब बर्फ गिर जाएगी फिर आएंगे मनाली में अच्छे से घूमने के लिए। मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, कई दिनों से क्या मैंने बड़े रूट्स कर लिए ना, स्पीति कर लिया, मेरे दिल की जो मेन इच्छा थी स्पीति करना, फिर मेरा सब मतलब एक इच्छा थी काजा टू मनाली करना, वो भी हो गया। उसके बाद मेरे मतलब मन में एक ये भी था कि मैं करूंगा गोम्बोक रंजन तक जाने का, वो भी हो गया। तो मतलब मेरे मेन मेन प्लान 100 डेज में हो रहे हैं, तो अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे कहाँ जाऊँ। इतने बड़े टफ रस्ते करने के बाद ना आपको सिंपल रस्तों में थोड़ा सा कैसे लगता है कि यार नहीं एडवेंचर नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, इसलिए ना पता नहीं क्यों मैं प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा हूँ। भाई जी वो जगह है पीछे भी पूरी पूरी रोडे टूटी पड़ी है, जब बाढ़ के टाइम पे देखो यहाँ देखो कितना नुकसान हुआ है, यहाँ तक नदी आ गई थी इस तरफ, कहाँ तक नदियां आ गई देखो, ये यहाँ भी मलबा पड़ा है, इधर भी मलबा पड़ा है, और ये देखो रोड दोबारा ऊपर दोबारा बनाई गई है, ये देखो इधर भी रोड को दोबारा बनाया गया है। एक पैटी पे कराइए यार एप्पल की और स्टोर से रस्ते में खाते रहेंगे। ये अपनी गाड़ी खड़ी है और नीचे ये देखो कुकिंग चल रही है, क्योंकि हमें लग गई थी भूख। वैसे क्या मैं डेली बाहर से ही खा रहा हूँ, लेकिन अभी क्या था कि मेरे को भूख लग गई, सोचा बना लेते हैं। मैं अभी वेट कर रहा हूँ पास्ता का, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा पड़ा है यार रेडी टू ईट वाला, ऐसे फेंकने से तो बड़ी है कि बनाएं खाएं रस्ते का एंजॉय करें। एंड आज के कुछ प्लान्स भी बन रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। पहले कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। अपने पास्ता बन के तैयार है एंड कपड़े भी सूख जाएंगे थोड़ी देर में, ये तो जुगाड़ कर रखा है मैंने रोड के ऊपर। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, एक्स्ट्रा यार सामान निकाल रहा था, बहुत कुछ पड़ा यार अंदर खाने को। ये एक एप्पल की मैंने पेटी ली है, तो एप्पल भी खाते रहेंगे रस्ते में, अभी तो पास्ता खाते हैं। एवरीबॉडी अपना अभी प्लान है कसोल की तरफ टर्न लेने का, कसोल के बाद में हम जाएंगे मणिकरण, या तो मलाना रुक जाएंगे नहीं तो फिर तोश तो है ही, इन दोनों में से एक जगह रुकेंगे हम। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है मुझे रस्तों का। तो हम कसोल की तरफ मुड़ चुके हैं, नीचे चल रही है पार्वती रिवर, तो टैंक फुल करा रहे हैं अपने कसोल से थोड़ा पहले, जरी नाम की जगह है वहां से। तो यहाँ से हमने डीजल डलवा लिया और अभी निकल रहे हैं हम आगे कसोल के लिए, जरी से आगे चल के थोड़ी सी देर बाद आ जाएगा कसोल। इधर अभी भी कैंप साइट्स हैं, कैंप साइट्स के भी ऑप्शन है तो रुक सकते हो, रिवर के किनारे बढ़िया है। एवरीबॉडी ये रास्ता थोड़ा सा चेंज हुआ है शायद, क्योंकि नीचे की तरफ ना आप देख सकते हो कितना नुकसान दिख रहा है रोड का, ये शायद जब बाढ़ आई थी ना वो उसका असर कसोल में भी तो था, कसोल और मणिकरण में। एवरीबॉडी ये वो लोकेशन है जहां मैंने एक बार पहले भी कैंप किया था, ये ग्रीन टैक्स जोन है जहां से टैक्स लगेगा, कार का लगेगा 100 रुपए, SUV का 300 रुपए, 300 रुपए चार्जेस लगे फास्टैग के ग्रीन टैक्स। और ये है मार्केट कसोल का, कसोल एक ऐसी जगह है जो
कलरफुल सा है और यहाँ की मार्केट भी काफी कलरफुल सी है और शायद यहीं से खीरगंगा ट्रैक शुरू होता है रिवर के किनारे किनारे, पता नहीं मैं कभी गया नहीं हूँ। ये इधर जाके आगे चल के मार्केट है और ये छोटा सा बस स्टैंड है, अभी बस रुकी हुई तो हमें रुकना पड़ेगा, सामने से भी बस आ गई है और ये रोड पे आप आगे कंटिन्यू रहते हो तो आगे आ जाएगा मणिकरण साहिब। हम अभी जा रहे हैं आगे मणिकरण के लिए जहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, गुरुद्वारा है, कहते हैं यहाँ पे गुरु नानक देव जी रहे थे और कभी शिव जी और पार्वती जी ने भी यहाँ पे तपस्या की थी और यहाँ की नदी का नाम भी पार्वती नदी है, तो बहुत सारी है यहाँ की मतलब हिस्ट्रीज है पुरानी। हसीन ये वक्त, हसीन ये वादियाँ, हसीन तुम, हसीन हमारी ये कहानियाँ, हसीन ये पतझड़, हसीन ये मौसम की मस्तानियाँ, हसीन है ये समा, हसीन ये इश्क की कहानियाँ। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है, नीचे चलते हैं अभी, सबसे पहले जाएंगे मणिकरण गुरुद्वारा मत्था टेक के आते हैं, वहीं शिव मंदिर है, आज मंडे है तो मत्था टेक के आते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो उसके लिए ये है भगवान शिव मंदिर और ये वो ब्रिज था जो बाढ़ के टाइम में टूट गया था, उसको रिपेयर कर दिया गया शायद दोबारा से, और ये है पार्वती नदी, ये है गुरुद्वारे का इतिहास, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। आदि है अंत है शिव ही अनंत है, समय है काल है शिव ही महाकाल है। तो ये अपनी थार खड़ी है बहुत ही गंदी हालत में, बहुत ही गंदी हालत में हो रखी है। मणिकरण गुरुद्वारा और शिव मंदिर में दर्शन कर लिए अच्छे से, लंगर भी शक लिया प्रसाद, और अभी निकलते हैं तोश के लिए। और इधर देखो बच्चों को छुट्टी हुई है, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं घरों में, ऐसे ऐसे रस्ते भी खराब हुए पड़े हैं जो अभी हम देख पा रहे हैं। बाकी देखो सामने की साइड में ऊपर वो स्नो माउंटेन्स दिख रहे हैं। हम भी गांव में शाम को बैठा करते थे, हमको भी हालात ने बाहर भेजा है। देख सकते कोई जगह आई है, मे भी कोई विलेज है या पता नहीं तोश का आउटर पार्ट है, पता नहीं क्या चीज है, बट एरिया तो सुंदर है। ये देखो पूरे के पूरे गांव में पानी पड़ा है, पता नहीं कहां से आया, ऊपर से आया पता नहीं, बारिश तो हुई नहीं है क्योंकि सूखा पड़ा है कुछ कुछ जगह पे, और सामने से आ गई गाड़ी। बहुत ही गंदा है भाई, बहुत ही गंदा रास्ता है और दो व्हीकल वाला तो मामला ही नहीं है यहाँ पे। तो ये अपने गाड़ी खड़ी है, पार्किंग का बड़ा इश्यू है भाई, वो सामने है वो एक सुंदर सा नजारा और ये है तोश ऊपर चढ़ के, तो यहीं कहीं से पैदल जाना पड़ता है तोश में रुकने के लिए। हमने हमारी थार को खड़ा कर दिया यहाँ इस जगह पे और आगे जाना पड़ेगा हमें विलेज में पैदल ट्रैक करते करते। ये तोश है, ठंडी बहुत है और यहाँ हमें अपना देखना पड़ेगा कौन सी जगह मिलनी है। देखो एंट्री पे क्या है, इस जगह पे आते ही मेरे को सबसे पहले ये बोला कि पाउडर चाहिए पाउडर। ओ भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, हमें तो पता भी नहीं है, हम तो इसे घूमते घूमते आ गए हैं। तो काफी देर से तलाश कर रहा हूँ बूपर्स की, उनसे बात हुई तो लोकेशन बताई उन्होंने, एक आइडिया ले लेके चल रहे हैं बिकॉज ये नेट तो चलता नहीं है। बाकी यहाँ की जो कहानियाँ वो आपको बताएंगे अच्छे से बैठ के, अब तक क्या क्या हो रहा है। फाइनली प्रॉपर्टी मिल गई है बूपर, रास्ता बहुत नीचे से है, कहाँ से वॉक करता करता आ रहा हूँ। प्रॉपर्टीज बहुत ऊपर तक है, वो देखो आप कहाँ कहाँ तक लोग हॉस्टल बना के बैठे हैं। राइट नाउ मैं हूँ अभी तोश में एंड यहाँ जस्ट स्टे किया है, बहुत रिलैक्सिंग प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है। ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, इधर भी काफ़ी कुछ चीज़ें, नीचे की तरफ विलेज है एंड ये देखो काफ़ी कलरफुल है, वी कॉल दिस होम। सो दिस इज द कॉमन रूम ऑफ दिस हॉस्टल।